नेफ्रोटिक सिंड्रम ये कोई डिसीज़ नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट इंडिकेट दैट आवर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग एज दे शुड। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ डज नेफ्रोटिक सिंड्रम डेवलप, कोजीज, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड डायटरी टिप्स के बारे में। वेलकम टू फीड योर जीन्स राइट, प्रेजेंटेड बाय परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, और मैं हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हीनाशा। नेफ्रोटिक सिंड्रम तब होता है जब किडनी का फिल्टरिंग पार्ट, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ये डैमेज होता है। दिस आर द टाइनी ब्लड वेसल्स जो ब्लड में आए हुए वेस्ट और एक्सेस वाटर को फिल्टर करता है और ब्लेडर में भेजता है एज यूरिन। ग्लोमेरुली का मेन फंक्शन है कीप द प्रोटीन इन द बॉडी। जब ये ग्लोमेरुली डैमेज होती है तब ब्लड में से प्रोटीन यूरिन में लीक होता है। जब आपकी किडनी हेल्दी होती है तो 1 ग्राम से भी कम प्रोटीन यूरिन में लीक होता है, लेकिन जब आपकी किडनी डैमेज होती है तो 3 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में लीक होता है। तो आइए जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने नेफ्रोटिक सिंड्रम के होने की वजह को 2 प्रकार में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी कोजिस एंड सेकेंड है सेकेंडरी कोजिस। प्राइमरी कोजिस के अंदर किडनी डैमेज होने की वजह से आपको नेफ्रोटिक सिंड्रम होता है, और सेकेंडरी कोजिस के अंदर एंटायर बॉडी में कुछ ना कुछ डैमेज होने की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रम होता है। तो आइए देखते हैं कि प्राइमरी कोजिस क्या है एंड सेकेंडरी कोजिस क्या है। सिम्टम्स है कि जिसकी वजह से हम अर्ली स्टेज में नेफ्रोटिक सिंड्रम को डायग्नोस कर सकते हैं, और वो है पफी आईज, आपकी आंख के आसपास पानी का भरना, सूजी हुई आंखें लगना, आपके पैरों के एंकल में सूजन आ जाना, और तीसरा जब आप यूरिन पास करने जाते हो और फ्लश करते हो तो उसमें फोम क्रिएट होना, जिसे हम फोमी यूरिन कहते हैं। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे कि जानते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, नए सेल को बनाने के लिए, पुराने सेल को रिपेयर करने के लिए, इन्फेक्शन के सामने फाइट करने के लिए, या तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए, सबके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और अब तो आप जानते हो कि नेफ्रोटिक सिंड्रम के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन ब्लड में से लीक होकर यूरिन में से पास हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रम होते हैं तो कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बात करते हैं डाइट की। इस डिजीज के अंदर डाइट प्लान करना इतना इजी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए या इतना खाना चाहिए, क्योंकि इस डिजीज में डाइट प्लान पेशेंट के सिम्टम्स की सिवियरिटी, उसकी एज और उसके वेट के रिलेटेड बनाया जाता है। तो अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रम है तो आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान बनाना चाहिए। इसके अलावा जो कॉमन फैक्टर आपकी डाइट में आपको ध्यान में रखने हैं, आइए देखते हैं कि वो क्या है।
चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाकी सारे ऑर्गन्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिजन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।